हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारी सीलिंग लेगी क्यों होती है और उसे कैसे ठीक करें। लेगी सीलिंग की ये समस्या हर गार्डनर को होती है। ये समस्या क्यों होती है, उसकी पहली वजह यही है कि प्रॉपर धूप ना मिलने के कारण सीड उस दिशा में जाने लगते हैं जहाँ प्रॉपर रोशनी आए, और उसी के कारण सीड टॉल होने लगते हैं और यही वजह है कि सीड में लेगीनेस आने लगती है। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें उसे 5 to 6 घंटे की धूप प्रोवाइड करनी चाहिए, और ये समस्या इम्प्रॉपर धूप के कारण ही होती है। हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं आपको ज़रूरी टिप बताने वाला हूँ जो आप फॉलो करें। दोस्तों, ये मेरे मारीगोल का प्लांट है जो मैंने सीड से ग्रो किया था। ये सीड मेरे काफ़ी टॉल हो चुके हैं, इसी के कारण मेरे सीड लेगीनेस हो गए। तो मैंने उसके ये इसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला है कि मैंने उसमें ये मिट्टी का लेयर है ना, ऊपर इस तरह से मैंने डाला हुआ है, और मेरा ये मेन लेयर नीचे, और मैंने इस पर इस तरह से मिट्टी डाली हुई है ताकि सीड आसानी से लेगीनेस से बच जाए, ताकि उसे पूरी तरह से सपोर्ट मिले। दोस्तों, मुझे इसमें एक और फ़ायदा भी मिला है, क्योंकि मैंने जैसे मिट्टी का लेयर मैंने डाला इसके ऊपर यहाँ पे, तो इसमें नई नई रूट डेवलप होना शुरू हो गए। तो नीचे से भी रूट डेवलप हो रही है और यहाँ से भी ऊपर से भी रूट डेवलप हो रही है। ये मेरा सॉल्यूशन था पहला। टिप नंबर 2, आप उसको आजू बाजू इस तरह से अगरबत्ती की कंडी जो आती है, तो छोटी सी लकड़ी इस तरह से लगा दे जो सीलिंग को सपोर्ट करे। इस तरह से मैंने रखा हुआ है इस तरह से। दोस्तों, ये मेरे पेटिनिया का प्लांट है जो मैंने सीड से ग्रो किया था। इसमें अभी यही समस्या हो रही थी, तो मैंने इस तरह से उसको सपोर्ट किया है अगरबत्ती की डंडी रख के, ताकि वो सीड पूरी तरह से खड़े रह सके। उसी की वजह से मेरे सीड्स काफ़ी डेवलप हो रहे हैं। दोस्तों, ये अगरबत्ती की जो कंडी है उसे आप छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं सीड से जर्मिनेट हुए हुए, अगर वो इस पर आप अपनाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों, मैं आपको टिप नंबर 3 में ये बताने वाला हूँ कि जैसे कोई बड़े बड़े जो सीड होते हैं, जो काफ़ी तो बड़े होते हैं, उसके लिए ट्रिक बताने वाला हूँ आप लोगों को। वो है आइसक्रीम की जो कंडी होती है, इस तरह से हम रखते हैं ताकि उसे सपोर्ट मिले इस तरह से। तो आप ये फॉर्मूला अपना सकते हैं ताकि उसको सीड्स को सपोर्ट मिले। मगर मैंने यही तरीका अपनाया था जिससे सपोर्ट मिलेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।